और जी इस वक्त जो मैं ज़ुरिश पहुंच गया हूं, स्विट्ज़रलैंड का शहर ज़ुरिश, और ये पीछे मेरा जो है हब बनूफ है, रेलवे स्टेशन, मेन रेलवे स्टेशन। तो बाहर निकलते हैं और शहर की सैर करते हैं। बाहर निकलते साथ ही जो है स्टेशन के वो है ओल्ड टाउन, तो वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं ये ओल्ड टाउन जो है इस तरह का है स्विट्ज़रलैंड में। और यहाँ पे एक रिवर भी है स्टेशन के करीब ही बिल्कुल ही, और आगे लेक भी है। तो आए चलते हैं देखते हैं। और ये देख रहे हैं आप मंज़र हाउप्ट बहनहोफ, और यहाँ पे ट्राम्स चल रही हैं और टैक्सी स्टैंड है ये स्टेशन के बाहर। और आगे बढ़ते हैं, ये देखें ट्राम आ रही है। और जी यूरोप के हर शहर में ट्राम सिस्टम है, एफिशिएंट ट्राम सिस्टम है, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। और देखें इस सड़क पे भी जो है ट्राम आ रही है। तो इस वक्त हम जो है ज़ुरिश में हैं, कैपिटल नहीं है ज़ुरिश, स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल जो है बर्न है। जो लोग नहीं जानते हैं वो ज़ुरिश को ही कैपिटल समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। देख रहे हैं ये स्विट्ज़रलैंड का ये मेन जो है शॉपिंग एरिया है, यहाँ पे स्टोर्स हैं इस गली में, आगे तक जा रहे हैं और इसके बैक साइड पे ओल्ड टाउन है। बहनहोफ स्ट्रासा है ये, आगे तक चलते हैं। और बहनहोफ स्ट्रासा पे कौन सी ट्रेन्स या ट्राम्स आती हैं देखें, ये 6 नंबर 7 नंबर 11 13। तो आगे फर्दर सिटी में जाना है आपने तो यहाँ से ये ट्राम्स नहीं जा सकती और आगे मूव किया जा सकता है। अभी हम इसी एरिया को देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। शोहाइजर गासा बहनहोफ स्ट्रासा, और यहाँ पे देखें कुछ बहुत अच्छी चीज़ें से मिल रही हैं, कुछ कैंडल्स हैं। आए उस तरफ चलते हैं रोड के, और ये देखें पीछे मेरे हाउप्ट बहनहोफ मेन रेलवे स्टेशन ज़ुरिश का सामने नजर आ रहा है आपको दूर। और इधर से ट्राम आ रही है,
और यहाँ पे अंदर भी कुछ है। छह नंबर ट्राम और यूरोप में बिल्डिंग्स जो हैं वो ऑलमोस्ट एक ही स्टाइल की हैं मतलब। और ये देखें यहाँ पे मेरे ख्याल से ओल्ड टाउन आ गया है सर, ये ब्रिज बना हुआ है, इधर थोड़ा सा चल के देखते हैं। और जी इस वक्त हम जो हैं ज्यूरिख में हैं और मे बी के इस तरफ कोई क्रिसमस यहाँ पे जो रात में लगती होगी। तो इस तरफ जो है आगे बढ़ते हैं, इधर जो है रिवर है उसको भी एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा उस एरिया को। आगे रिवर आ रही है और ब्रिज भी है इस पर, तो हम ब्रिज क्रॉस करके उस तरफ भी जा सकते हैं। अभी देखें गूगल मैप्स का ये फ़ायदा है कि देखें मैं रेलवे स्टेशन से निकला और ख़ुद ब खुद ही जो है मैं ख़ुद ही मैंने अपना आइडिया लगा लिया कि कहाँ जाना है मेरे को। और ये आप आगे हैं बच्चे रोड क्रॉस कर रहे हैं और सिग्नल रेड हो गया है, अभी नहीं जा सकते और फ्लैग्स लगे हुए हैं शॉप्स पे स्विट्जरलैंड के। और ये बैक साइड पे देखे मैंने पार्क लाइट वर्क काल गार्डन जेल मोती उर्निया ये बैक साइड पे मेरे और सिग्नल बंद हो गया है, आप जा सकते हैं। और ये रिवर आ गई है जो स्विट्ज़रलैंड के शहर ज़ूरिच में बहती है। अब यूरोप के एक बात और भी है कि हर शहर में ही कोई एक ना कोई रिवर होती है और ये मेरी कोई 10वीं 12वीं रिवर है। मैंने हालांकि पाकिस्तान में रिवर्स नहीं देखे, दूसरे मुल्कों में रिवर्स बहुत देख ली हैं। और इस तरफ तो बहुत ही अच्छा मंज़र है, इधर बढ़ते हैं।
या यहीं से बढ़ेंगे आगे, अभी सिग्नल बंद हो गया है। वॉक करते करते आगे चलेंगे। भाई क्या करें, अभी दूसरे मुल्क का कानून तो फॉलो करना पड़ता है, बट अपना मुल्क होता तो फिर तो खैर थी। तो ग्रीन हुआ, और अभी मैं एक और ब्रिज पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे देखें ये हंसों का जोड़ा, देख सकते हैं आप, और ये दो टावर हैं, कोई थिंक सो के चर्च है ये। और हम ये ब्रिज पे आ गए हैं, और देख रहे हैं आप ये सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है। ब्रिजेस काफ़ी सारे हैं इस रिवर के ऊपर, और यहाँ पे यार्ड्स वाला और ये सब चीज़ें खड़ी हैं। और ये देखें ये स्वान, वाइट स्वान है, ब्लैक स्वान नहीं है। ब्लैक स्वान तो बड़े ख़तरनाक होते हैं, मेरा समझ गए होंगे किसको कह रहा हूँ ब्लैक स्वान। तो आगे बढ़ते हैं, और ये देखें एक पुराने तर्ज की इमारत। बारिश की वजह से सारी ये जो बोट्स हैं इनको ढका हुआ है ताकि पानी ना चढ़ जाए इनके ऊपर। और ये देखें सीगुल्स दो, और ये WC है यहाँ पे, टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट्स हैं। और यहाँ पे आप पैसे डालेंगे तो इसको यूज़ कर सकते हैं आप। यूरो है, स्विस फ्रांक है, वेरी गुड। और आगे देखें क्या है, और एक और ब्रिज आगे आ गया आ रहा है। इतनी आबादी नहीं है यहाँ पे, और कोई चहलकदमी नहीं है कोई भी, हालांकि वर्किंग डे है आज, और कोई ऐसी वो नहीं है कि लगे कि भाई पब्लिक है, फिर रही है, आ रही है, जा रही है। अभी सुबह का टाइम है, लोग शायद अंदर अपने कामों में लगे हुए, और ये कोई कोई शो आ रहा होता है शायद यहाँ पे। तो आगे हमें कुछ पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं जो थोड़े से बुलंद हैं।
और यहाँ पे जो है वो लेक आ रही है, तो लेक को थोड़ा सा एंजॉय करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ये जो रिवर है वो लेक में कन्वर्ट हो गई है, आगे जाके मिल रही है, जाके इनका कन्फ्लुएंस हो रहा है। और ये तो बहुत ही बड़ी लेक है। इस पे लिखा हुआ है मिश कैन मान मीटन, मतलब मुझे जो है ना रेंट पे ले सकते हैं। और ये देखिए आप फ्लावर्स, और ये तो बहुत बड़ी लेक आ गई है। ज़बरदस्त, आगे बढ़ते हैं। और ये देखें एक बहुत वसी और अरीस इलाका बन गया है। ये खुला कुछ जगह है बहुत, और यहाँ पे चारों तरफ जो है इमारतें हैं और सामने जो है लेक है। ज्यूरिश में जो ये लेक, बड़ी लेक है, यहाँ पे आ गए हैं हम। और मैं अपना दूसरा कैमरा भी निकाल लेता हूँ ताकि फिर वहाँ से भी सिलसिला चलता रहे। और ये साइकिल ट्रैक है साइकिलिंग के लिए। और जी हम इस वक्त ज्यूरिख सिटी में हैं, और ज्यूरिख सिटी में ये ट्राम्स देख रहे हैं आप, और आगे बढ़ते हैं। और ये हम पहुंच रहे हैं लेक की तरफ जो ज्यूरिख सिटी के अंदर ही है। और ये ट्राम देखें आप, और ये लेक आ गई है। और ये बहुत वसी और इस लेक है, झील है, ट्रैफिक बहुत हाई है, थोड़ा सा रुक के जाना है, अदरवाइज आपको गाड़ी को हिट ना कर दे। तो रुके 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 आगे बढ़ें। और जी, और ये आप लेक देखें, बहुत बड़ी लेक है, और आगे पहाड़ी सिलसिला भी जारी है। जिस वक्त मैं ज्यूरिख सिटी में हूँ और ये आप मंज़र देख रहे हैं, ट्राम्स चल रही हैं, और इस वक्त मैं जो हूँ सिटी से थोड़ा सा बाहर की तरफ साइड में एक लेक पे आया हूँ। और ये देखें आप, और यहाँ पे स्वान्स भी हैं। धूप निकली हुई है, मौसम मेरे ख्याल से तो सर्द नहीं है क्योंकि मैंने जैकेटें पहनी हुई हैं, तो मुझे नहीं लग रहा। धूप खिली हुई है बहुत, और ये बहुत खूबसूरत मंजर आप देख रहे हैं ज्यूरिख सिटी का। और आगे पहाड़ी सिलसिला है, और इन पहाड़ों के पीछे तो फिर असल खूबसूरती तो इन पहाड़ों के पीछे ही है स्विट्ज़रलैंड की, जो आपको मैं दिखाता रहूँगा।